वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, पार्ट नंबर 61 जो नंबर पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मीनिंग, वेयर हाउसिंग के फंक्शंस, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। सबसे पहले बात करते हैं वेयर हाउसिंग का प्रॉपर मीनिंग क्या है। एक्चुअली में प्रॉपर मीनिंग में बताया गया, वेयर हाउसिंग एक तरीके का प्रोसेस है जो स्टोरेज करने में हेल्प करता है स्टॉक को किसी भी फ्लोर पे। ज़्यादा बड़े मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा यूज़ करा जाता है, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो करते हैं, कस्टम्स एक्सेट्रा। सो वेयर हाउसिंग स्टोरेज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक को किसी भी जगह पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मानी गई है वेयर हाउसिंग की। इट हेल्प टू मेकिंग अवेलेबल द राइट क्वान्टिटी एट राइट प्लेस। सही क्वान्टिटी को सही प्लेस पर अवेलेबल कराना, राइट टाइम पर अवेलेबल कराना, राइट फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल कराना, राइट कॉस्ट पे, डेट इज़ कॉल्ड वेयर हाउसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिनेरियो माना गया कि वेयर हाउसिंग एक तरीके से राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस और राइट टाइम पे गुड्स को अवेलेबल कराता है फिजिकल फॉर्म में और सही कॉस्ट पे। वेयर हाउसिंग स्टॉक को स्टोरेज करने में और स्टॉक को मेंटेन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वेयर हाउसिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर अ बिजनेस एक्टिविटीज। इट हेल्प द स्टोरेज द स्टॉक एट द फ्लोर। दे आर यूज बाय द मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस। दे आर यूज्ड इन अ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। सो दैट इज अ परफेक्ट चॉइस ऑफ अ बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन टू मीट अप देयर स्टॉक ईजीली एंड फ्लेक्सीबल फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात करी गई कि इजीली और फ्लेक्सिबल फॉर्म में वेयर हाउसिंग सबसे अच्छा सपोर्ट देता है बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। वेयर हाउसिंग के अंदर अगर बात की जाए टाइप्स की, तो यहाँ पे दो तरीके के मेनली, और बाकी भी फॉर्म्स हैं, बाकी अदर तीन तरीके के और टाइप्स होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस ऑपरेट कौन करता है, ओन कौन करता है, मैनेज कौन करता है, कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज कहलाती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स विच हैंडलिंग देयर ओन गुड्स सच एस रिटेल, चेन स्टोर्स, मल्टी ब्रांड, मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज। ज़्यादातर ये कंपनीज प्राइवेट वेयर हाउस कंट्रोल करती है, जिसमें कंपनी, प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पब्लिक वेयर हाउस जो स्टोरेज गुड्स होता है, वो ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर और किसी भी पब्लिक सेक्टर के जो पर्सनस हैं उनके द्वारा स्टोरेज करा जाता है। पब्लिक वेयर हाउसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए पब्लिक वेयर हाउस यह मानते हैं। पब्लिक वेयर हाउस में गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना वेयर हाउसिंग का, दैट इज़ अ कंपल्सरी फॉर्म। सो दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर पब्लिक वेयर हाउस विच आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज का थर्ड, बॉन्डेड वेयर हाउस। दे आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स टू प्रायर टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज। बॉन्डेड वेयर हाउस वो वेयर हाउस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस होते हैं, इम्पोर्ट गुड्स में एक्सेप्ट करे जाते हैं, टैक्स के पेमेंट, कस्टम ड्यूटी पेमेंट इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। गवर्नमेंट वेयर हाउस जो फुल्ली और मैनेज गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा होते हैं, जैसे फूड कॉरपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये एग्जाम्पल्स है जो गवर्नमेंट वेयर हाउस के हैं। और ये गवर्नमेंट वेयर हाउस वो वेयर हाउस होते हैं जो फुल्ली प्रॉपरली अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल्ड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है हमारा कॉपरेटिव वेयर हाउस। कॉपरेटिव वेयर हाउस में कॉपरेटिव सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहाँ पे सोसाइटी में एटलीस्ट मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं, वो सारे कॉपरेटिव मेंबर्स कॉपरेटिव वेयर हाउस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सेक्टर्स, यहाँ पे भी इनके खुद के वेयर हाउस होते हैं, लेकिन ये सोसाइटी इनकी होती है, वो सोसाइटी उसको कंट्रोल करती है वेयर हाउसिंग सिस्टम को। तो कॉपरेटिव वेयर हाउस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वेयर हाउसिंग करने में एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर बात की जाए फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग की, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग में कंसोलिडेशन, वेयर हाउसिंग कंसोलिडेट करता है, यानी कि प्रोडक्ट को एक करता है, मटेरियल को एक करता है, जितने भी गुड्स आते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, जब भी डिस्पैच करने से पहले एक जगह आके कंसोलिडेट, यानी कि मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं और इजीली उनको अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ से गुड्स। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती कंसोलिडेशन के बाद कि प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है, इजीली अवेलेबल करा सकते हैं और मार्केट में इजीली पहुँचा सकते हैं रिटेलर्स तक, कंज्यूमर तक। ये कंसोलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करा गया। ब्रेक द बल्क, बल्क को ब्रेक करना, यानी कि बहुत सारे गुड्स एक साथ रखा है, लार्ज क्वांटिटी में रखा है गुड्स, उनको ब्रेक करना, यानी कि जो भी आइटम्स चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में उनको
वेयर हाउसिंग की मदद से हम है ना ब्रेक कर सकते हैं, ले सकते हैं, और बल्क का जो गुड्स है वो अलग अलग जगह उठाकर हम ला ला ले जा सकते हैं। सो वेयर हाउसिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ आइटम्स रिसीव फ्राम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू इन टू स्मॉलर क्वान्टिटी। स्मॉल क्वान्टिटी में हम यहाँ पे देते हैं लार्ज क्वान्टिटी को। स्टॉक पिलिंग प्रोसेस क्या होता है? द सीजनल स्टोरिंग ऑफ कमोडिटीज ऑफ सर्टेन बिजनेस इन द नेक्स्ट रोल ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का नेक्स्ट रोल क्या है? सीजनल स्टोरिंग करना, जगह जगह स्टोर करना कमोडिटीज का सर्टेन बिजनेसमैन के द्वारा। तो दैट इज़ अ स्टॉक पिलिंग, इसको स्टॉक पिलिंग कहा जाता है। यानी कि अलग अलग जगह वेयर हाउसिंग करना, अलग अलग जगह वेयर हाउस करके प्रोडक्ट को रखना, स्टॉक को काउंट करना, ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। कंसिडर यहाँ पे फंक्शन है सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग का, जो इजीली करा जा सकता है। सो वेयर हाउसिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टॉक पिलिंग, स्टॉक चेकिंग। फोर्थ है वैल्यू एडेड सर्विस। वैल्यू एडेड सर्विस यानी कि हम यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे ट्रांजिट का मिक्सिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, जितनी भी सर्विसेज है वो भी ऐड करते हैं वेयर हाउसिंग में। और ये वेयर हाउसिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट से जो मिक्स हो क्या है उनको अलग करना, उनको या फिर अलग है तो उनको मिक्स करना। पैकेजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्प लेबलिंग, यानी कि नेम ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी का नेम, मैन्युफैक्चरिंग नेम, यूनिट का नेम, एक्सपायरी गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है उसको यहाँ पे पता लगाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे लेबलिंग का ये माना गया है कि यहाँ पे वेयर हाउसिंग का ये माना गया है कि लेबलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है कि इंग्रेडिएंट्स कंटेंट भी इजीली आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं वेयर हाउसिंग की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है प्राइस स्टेबलाइजेशन। वेयर हाउसिंग मेंटेन करता है प्राइस को भी, सप्लाई को आगे पीछे करके। अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसको अलग करना, प्राइस कम है तो प्रोडक्ट को अलग करना, प्राइस कम वाले प्रोडक्ट को अलग करना। प्राइस को स्टेबलाइजेशन, प्राइस को बैलेंसिंग करने में लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सप्लाई को चेंज कर सकता है, गुड्स जो पुराने हो चुके हैं उनको सबसे पहले ट्रांसफ़र करना, जो नए गुड्स हैं उनको बाद में सप्लाई करना। दैट इज़ द डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करने में वेयर हाउसिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जगह अगर वेयर हाउसिंग के अंदर गुड्स अवेलेबल है तो वहाँ पे गुड्स को जगह जगह तक पहुँचाना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंसिंग वेयर हाउस ओनर करता है एडवांस मनी एक्सचेंज करने में, फाइनेंस में भी हेल्प करता है, फाइनेंस सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट और सेल टू देयर गुड्स टू क्लाइंट्स ऑन क्रेडिट टर्म्स। तो इजीली यहाँ पे फाइनेंसिंग करने में हेल्प करता है वेयर हाउसिंग, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड्स को फाइनेंस कराने में, लाने ले जाने में। सो दैट इज़ कॉल्ड फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, फंक्शंस माने गए वेयर हाउसिंग के। सो इस वीडियो में हमने बात करी है मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग, types of warehousing and functions of warehousing. Thank you.